get ready to fight, eh? खेले लगी है ऐसे ऐसे करते हैं। Hey guys, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है जॉनी और वेलकम टू माय YouTube चैनल द नेम ऑफ जॉनी पाल डांस। 9 बज गए हैं और सुबह सुबह 8:30 बजे फोन आ गया मुझे अकाउंटेंट का, क्योंकि आज जा रहे हैं हम कोविड का टेस्ट करवाने, क्योंकि आज खत्म हो गया क्वारंटीन मेरे ख्याल से, तो या फिर लास्ट दिन होगा आज क्वारंटीन का, देखते जाते पता करते हैं आज देखते हैं ऐसा भी जो भी होता है। बट आज कोविड का टेस्ट करवाने जा रहे हैं, फटाफट तैयार होते हैं, लेट हो गए हैं, शूज वूज पहनते हैं, जैकेट वैकेट मारते हैं और फिर निकलते हैं। तो आ गए हम दोबारा वही हेल्थ डिपार्टमेंट में, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, जाते हैं अंदर फिर पता चलता है। बिल्डिंग बहुत पुरानी है मगर पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं ना। ये जादू का बच्चा करेगा हमारा टेस्ट, देखते हैं क्या करता है ये। चलो ये हथियार रेडी कर रही है अपना, ये डाल देंगे नाक के अंदर पूरा। आराम से ले जाओ पूरा अंदर तक ले जाओ। Get ready to fight, eh? खेलने लगी है ऐसे ऐसे करते हैं। तो भाई ये आ गया हमारा टेस्ट, ये है मोहन भाई का, ये हमारा है। तो हो गया, एक ही लाइन है अभी तक, उसने कुछ बोला नहीं, देखेगी अभी तो बताएगी। ये चूही जैसी लड़की, देखते क्या बोलती है ये। पैसे पैसे निकालो पैसे। ये फायदा है यहाँ पे, इनको कुछ भी बोल देने को समझ नहीं आता ना, चूही बिल्ली कुत्ता कुछ भी बोल देने को समझ नहीं आएगा, ये अच्छी है। अब ये हमारा फॉर्म भरेगी और उसके बाद बोलेगी तुम उड़ता पंछी हो। कहाँ पे रहोगे? चलो समझ आ गया क्या बोल रही है। ये फॉर्म भरेगी हमारा और फिर बोलेगी जाओ उड़ जाओ, उड़ता पंछी खाओ। उड़ता पंछी खाते हो आप? हम तो बैठे हुए पंछी खा ले। ये तो अच्छा था गुरु। चलो भाई आजाद हो गए, आजाद हो गए। अब चलते हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। सुबह सुबह कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया 9:07 हो गए हैं। अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, उसके बाद मुंडन करवा के आएंगे हम दोनों भाई। बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, मुंडन करवाते हैं आज हमारा। नोई जी बुनका गुंड, चलते हैं खाना खाने। लो भाई ब्रेकफास्ट आ गया हमारा। ये पता नहीं क्या खा रहे हम, ये मच्छी है, मच्छी ये मच्छी वाले। तो खा पी के हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी चाय तैयार हो रही है, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद जाएंगे ग्रूमिंग करवाने। मुंडन होएगा मेरा आज, सर का भी और दाढ़ी का। मुंडन मतलब ये थोड़ी ना मैं गंजा हो जाऊँगा, थोड़ा सा ग्रूमिंग करवाऊंगा, साइड वाइडें अच्छे से करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा इंसान लगूँ, आदि मानव जैसा लग रहा हूँ 15 दिन क्वारंटीन में रह के। तो आज आज़ाद हो गए, सच में ऐसा लग रहा है कि आज़ाद हो गया आज तो भाई, मज़ा आ गया। तो अब बाहर निकलेंगे थोड़ा सा खुल के, जहाँ दिल करे वहाँ जा सकते हैं हेलमेट पहन के बाइक पे। तो अभी पहले जाते हैं बाल कटवाने, चाय पीते हैं पहले, चाय दिखाते हैं आपको। तो भाई चाय रेडी हो गई है और साथ में है वियतनामीज़ कुकीज़, ये बिस्किट्स है, ये मेरे फेवरेट ये वाले हैं, ये मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें सोगी किशमिश होती है मीठी मीठी सी। और चाय पीते हैं, मोहन भाई जी ने बनाई है। हेलो। और वियतनाम का झंडा। स्कूल की होगी छुट्टी, ये कौन से टाइम की छुट्टी होती है और किस टाइम स्कूल लगते हैं कुछ पता ही नहीं यार। ये देखो जा रहे बच्चे घर पे, ये लंच करके और फिर दोपहर को दोबारा वापस घर पे आ जाएंगे। अभी हम पीते हैं चाय। 12:30 हो गए हैं और अभी चलते हैं बाल कटवाने, 11 बजे लंच करते हैं ये लोग, तो इसलिए उस टाइम गए नहीं, 12:30 हो गए, अभी लंच वंच करके ये लोग फ्री हो गए होंगे। तो चलते हैं बाल कटवाने, देखते हैं कैसा रहता है क्या होता है। सभी बोल रहे कह रहे बहुत अगली हो गया, पहले ज़्यादा हैंडसम था, अब हैंडसम नहीं रहा, ऐसे बोल रहे हैं, मच्छर काट गया दिखे।
सभी कह रहे हैंडसम नहीं रहा थोड़ा सा, तू कह रहे दाढ़ी वाड़ी कटवा, बाल बाल सेट करवा, तब थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो वही देखते हैं अब, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा, चलते हैं बाल कटवाने। बिल्ली की आंखें बहुत बढ़िया है इसकी। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ब्लू आईज है, ब्लू आईज। हनी सिंह ने गाना इसी पे बनाया हुआ है। ये मैंने नया काम शुरू किया है यहाँ पे बाइक रिपेयर करने का। हवा भर दी है, अब निकलते हैं। जिसके पास हमेशा कटवाया करता था, इसकी दुकान तो बंद निकली, अब दूसरी दुकान पे जाते हैं, देखते हैं वो कैसे काटेगा कैसे नहीं काटेगा। तो चलते हैं मोहन भाई के साथ। लेते हैं कुछ सब्जी वब्जी लेते हैं थोड़ी, इस दुकान पे हमें थोड़ा सही रेट मिल जाता है क्योंकि होलसेल की दुकान है। तो सब्जी बनाएंगे यार, सब्जी लेते हैं। तो आज बाल और दाढ़ी कटवा के मैं आ गया हूँ, कर दिया रोडा मेरे को। जिससे बाल कटवाता था उससे मैंने कटवाया नहीं, वो उसकी दुकान बंद थी, किसी और से कटवाए, तो मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार, अच्छे से नहीं काटे, मज़ा सा नहीं आ रहा। अगली बार उसी के पास जाएंगे जिससे कटवाते थे, ऊंचे नीचे से काट दिए, उसको समझ नहीं आ रहे। तो भाई बाल कटवा लिए हैं, खाना पीना सब्जी ले आए हैं, अब खाना पीना बनाएंगे खाएंगे, टाइम ज़्यादा ही हो गया। नेल कटर लेके आ गया मैं चुटकू सा, अब नेल काटूंगा, बहुत बड़े बड़े नेल हो गए देखो। तो अब नेल काटता हूँ और खाना पीना बनाते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर नहाऊंगा, नहा के फिर खाएंगे, पहले बनाएंगे फिर नहाएंगे फिर खाएंगे। ओके, तो कुकिंग वुकिंग करने के बाद मैं नहा लिया हूँ और अभी जाते हैं खाना खाते हैं। चार बजने वाले हैं मेरे ख्याल से, चार बज भी गए होंगे जब नहाने गया, चार बजने वाले थे तो चार बज गए होंगे अब। और नहा लिया, शेविंग भी कर ली अच्छे से प्रॉपरली, और अब जाते हैं खाना खाते हैं। तो ये रहा हमारा लंच, चार बजे रोटी बीन्स और आलू की सब्जी चाय के साथ मोहन भाई के साथ। तो खाते हैं पीस आउट। तो खाना वाना मैंने खा लिया है और चाय भी पी ली है, अभी दोबारा बालकनी में बैठी हूँ, मेरी फेवरेट जगह बन चुकी है बालकनी, तो यहाँ बैठा हुआ और मैं देख रहा हूँ सूरज अभी दिख रहा है, हाँ सूरज अभी नीचे जा रहा है धीरे धीरे, ये देखो। तो मैं सोच रहा हूँ आज फिर टाइम लैप्स लगा देता हूँ, तो देखते हैं आज शायद कैच हो जाए, और मौसम भी अच्छा चल रहा है, हवा चल रही है और बादल भी जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो टाइम लैप्स में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा वो चीज़। मैं फटाफट टाइम लैप्स लगाता हूँ, आज टाइम से लगा देता हूँ तो अच्छा दिखेगा। कल तो आपको पता नहीं लगा होगा, मे भी आज पता लगेगा आपको, सूरज नीचे जाता हुआ बादल उसके साइड में जाते हुए, तो आपको अच्छे से दिखेगा, भी लगाता हूँ। तो टाइम लैप्स मैंने लगा दिया, देखते हैं आज कैसा रिजल्ट रहता है। आज सूरज थोड़ा फिर भी ऊपर है एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे, तो देखते हैं टाइम लैप्स में कैसा रिजल्ट आ रहा है आज का। बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है यार, इस टाइम पे बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है मोक चाओ, और वो दूध के लिए ही स्पेशल सिटी है। वहाँ पे फार्म्स है, डेयरी फार्म्स लगे बने हुए हैं, और नॉर्मली यहाँ पे दूध नहीं मिलता कहीं पे, तो वहाँ पे डेयरी फार्म है, तो वहाँ से दूध मंगवाया है, 5 लीटर दूध मंगवाया है, कैन फ्रेश मिल्क बोल रहे हैं। अभी देखते हैं इसको उबाल के कैसा कैसा नहीं है, तो उबाल के देखते हैं, फ्रेश दूध बोल रहे हैं, गाय का है, उबालने के बाद पता चलेगा कैसा कैसा नहीं है। अभी पीते हैं नारियल पानी, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है नारियल, कुछ गलत जैसा लग रहा है बट इसमें पानी है, छील रखा है सारा, इसको पीते हैं, बहुत ही टेस्टी और अच्छा होता है। गर्मी लग रही है मेरे को, ठंडा ठंडा बढ़िया लगेगा, मज़ा आ जाएगा। तो अभी प्रैक्टिस खत्म करी है, प्रैक्टिस करते करते नारियल पानी पिया जैसे कि आपने देखा, और प्रैक्टिस करके अभी खत्म की है, सॉन्ग्स मैंने उठा लिए हैं, और एक डांस वीडियो भी आएगी जुम्बा के साथ साथ, एक डांस वीडियो भी आने वाली है, कोरियोग्राफ तो कर लिया है, देखते हैं अब जब बनाएंगे कब आएगी कुछ नहीं पता, तो अभी प्रॉमिस नहीं करूँगा कब आएगी और आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है मैंने कोरियोग्राफ कर लिया होता है बट वीडियो नहीं बना पाता उनकी, तो कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियो बन जाए। और प्रैक्टिस कर ली है, सब कुछ हो गया है, अब खाऊंगा मैं ये है, इसको आप होटो बोल सकते हो, वियतनाम इसको बोलते हैं बैंगनी, और इसके अंदर सॉसेज है और ब्रेड है ये, और मोस्टली ब्रेड है, इसके अंदर सॉसेज है और
अंडे का ऑमलेट है, तो इसको वियतनाम में बोलते हैं बैंग मी चुंग। तो अभी इसको मैं खाता हूँ। प्रैक्टिस करते हुए तो प्रैक्टिस कर रहा था, लंच कुकिंग करने का मन नहीं किया और ना ही टाइम मिला प्रैक्टिस करते करते, और टाइम भी मेरे ख्याल से 10:30-11 बजने वाले हैं, घड़ी तो है नहीं मेरे हाथ में, तो दिखा देता आपको। तो खाता हूँ अभी, डिनर करता हूँ, उसके बाद सोऊंगा। और इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मैं ऐसे ब्लॉग्स आपको लाता रहूँगा। टिल देन जय हिंद, राम राम, नमस्ते, लव यू ऑल, कीप कनेक्टिंग, स्टे सेफ।